अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग भी अपने मेन्यू पर अलहमदिल्ला स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हैं भाई, आया हम अपने मेन्यू पर, ठीक है। बाकी माशाल्लाह आज बाहर का दिन है और चौथा रोज़ा है अलहमदिल्ला, रमज़ान मुबारक का अलहमदिल्ला रोज़ा भी है और माशाल्लाह भाई सब बर्ड्स हेल्दी एंड एक्टिव है। बाकी माशाल्लाह से एक गुड न्यूज़ है भाई, इसका चौथा बच्चा भी निकल आया है पेयर का। देख सकते हैं पेयर बाहर है, तो चले आए आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। और माशाल्लाह जो है ज़रूर बोलिएगा, बस ये देखेंगे माशाल्लाह। इसके दो अंडे जो बाकी हैं वो भी फर्टाइल हैं माशाल्लाह से, तो अच्छी प्रोग्रेस है। माशाल्लाह फीड वीड हुई भी है, तमाम हेल्दी एंड एक्टिव है। बस दुआ ये कि इंशाल्लाह ये सरवाइव कर गए। बाकी अब इन लोगों को करके खोल दूंगा, देख सकते दाना होता ही अंदर, तो इतनी परेशानी वाली की बात नहीं होती है। बाकी माशाल्लाह सबको भी एक एक करके खोलेंगे। तो आए चलें पहले कॉलोनी का विज़िट कर लेते हैं। दो तीन दिन से कॉलोनी का विज़िट नहीं किया, मैं डेली इसलिए नहीं जा रहा था। मैंने बोला यार ये जो है तंग ना हो जाए डेली विज़िट कर। अभी चलते हैं कॉलोनी में, इंशाल्लाह आपको चलते कॉलोनी में फिर। ठीक है भाई, अलहमदिल्ला सब फ्रेंड्स का दाना पानी हो चुका है। करने के लिए बैठ गया हूँ, थोड़ा वेट कर रहा हूँ यहाँ पर बैठा और साथ थोड़ा इंजॉय भी हो जाएगा। बस को भी एक नज़र देखता हूँ और क्या हिसाब किताब चल रहा है। बाकी जो है अपने मिठू साहब ये बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं भैया, ये मिठू साहब बैठे हुए हैं, ये इनकी बीवी बैठी हुई है, दोनों बैठे हुए चुप करके। और अभी यार ये मुर्गी खोली है मैंने, ये मैंने बोला यार खा पी ले दाना है पड़ा हुआ सारी जगह माशाल्लाह पड़ा होता है, थोड़ा बहुत भी खाती पीती रहती है। बाकी चिंडी में इनका मेन होता है, वहाँ पर भी पड़ा होता है। यहाँ पानी की कटोरी थी तो उसने पानी वानी दे दी है। जो पहले छोड़ी हुई थी खा के मैंने बंद कर दी, अंदर अंदर करके छोड़ी हुई है। बड़ी वाली जो आंधी तूफान है वो पिंजरे में बंद है, उसको खाली छोड़ के मिल रहे हैं। बाकी माशाल्लाह और जो और सब चल रहा है माशाल्लाह से, इसके भी दो अंडे फर्टाइल हो गए। और ये भाई माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग, इसके भी दो बच्चे ठीक हैं, इसका भी एक बच्चा सही है। बाकी माशाल्लाह भाई इस वजह देखें आपस में अभी फीड करा रहे हैं माशाल्लाह, अंदर से अपने चारों बच्चों को माशाल्लाह फीड करा चलिए। जी तो भाई देख सकते हैं माशाल्लाह से अपने लब्बर की कॉलोनी में आ चुका हूँ इस टाइम पे मैं, तो चले आए इन लोग का स्टेप बाय स्टेप जो है मछलियों का और हर चीज़ का आप लोग साथ विजिट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई फ्लैश लाइट ऑन। माशाल्लाह से ये हैं पांच अंडे हैं यहाँ पर माशाल्लाह, ये देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये खाली है मटकी, हालांकि इसमें नेस्टिंग जो है सबसे पहले नेस्टिंग सीजन की इसी मटकी में हुई थी, लेकिन खाली इसमें तो एक अंडा है वो डेढ़ से ले दो जो फटा है माशाल्लाह। और ये बच्चा चौड़ा हो गया पड़ा हुआ, इसको भी सीधा करके रखना पड़ेगा। वही तो प्लेट लेके ना हो जाइए कहीं, तो ये वाली मटकी माशाल्लाह से इसमें भी पांच अंडे हैं, ये ठीक है। इसमें माशाल्लाह पहला अंडा आ चुका है और इस पेयर पे मार्किंग भी हुई हुई है। ये पेयर हमने बाहर निकाल के जो है मैंने ऊपर शिफ्ट किया था, लेकिन वहाँ इसने जो है ब्रीड नहीं की थी। ये फीमेल है जिसके चेस्ट पे देख सकते हैं आप थोड़ा सा निशान लगा हुआ है, ये इसकी फीमेल है। तो ये बच्चा ठीक है, बच्चा माशाल्लाह से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर दो अंडे हैं ये खाली है। ये लास्ट में मट्टी चेक करते हैं, आई माशाल्लाह। तो ये इधर फाइनल विजिट पर आ चुका हूँ अपने मेन्यू जो पर अलहमदिल्ला सही की नमाज़ जस्ट अभी पढ़ के आया हूँ। मैंने बोला यार जाके वीडियो बना लें व्लॉग में ऐड करने के लिए। ओ भाई खुल गया, तो गेट खुल चुका है भाई, तो अभी चलते हैं, ताला ये लटका दिया है। भाई कॉलोनी वाले तो सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत है। मुर्गी ये रही आंधी तूफान, इसने जो है बहुत ज़्यादा शोर मचाया था कब से, क्या हुआ। चल चल खुल गई, बस आज़ाद हो गई रोज़ा खुल। बाकी मैं आया था तकरीबन ढाई तीन बजे के टाइम या चार बजे के टाइम ऐसे ही ना, तो दो अंडे दिए हुए थे मुर्गियों ने, काली वाली ने भी दिया हुआ था, छोटी वाली वाइट ने भी दिया हुआ था, दोनों ने अंडा दिया हुआ था माशाल्लाह से एक ही साथ एक ही टाइम पे। तो वो मैं उठा के ले गया था, ब्लॉक के बगैर ही आया था, तो मैंने बोला यार जाके मैं ले आता हूँ तो इस काम से फारिग हो जाऊँ, वरना तो इसे ये धुआँ मार देती हैं जो अंडा टूटने का भी डर होता है ना। तो अभी माशाल्लाह भाई अपने लास्ट विजिट कर आया हूँ, तो सबके बेबीज़ वगैरह चेक करता हूँ और आज की वीडियो होगी अपनी
रीडिंग प्रोग्रेस पे इंशाल्लाह। तो अभी स्टार्ट करते हैं भाई माशाल्लाह से। बजिश के तो आप लोगों को पता है दो अंडे, ठीक है, ये इसका बच्चा ये बाहर निकला और दोबारा से दो अंडे माशाल्लाह से, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं भाई स्टार्ट। फर्स्ट बॉक्स माशाल्लाह तीन बच्चों के साथ स्टार्ट होता है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये रहे तीन बेबीज हैं, ये भाई बाबा बाबा ब्लैक शिप है ब्यू एनी वुड, यस सर चल भाई। ये तो एक ग्रीन फिशर बच्चा है और दूसरा वाला समझ नहीं आ रही कौन सा होगा, तो लग जाएगा पता कौन सा होगा। बाकी एक जो ब्लू बर्ड है या तो साइबल होगा या तो अल्बाइनो ब्लैक है, ये इस पेयर में से निकला होगा। ये दो बच्चे, एक तो जो इसमें फिशर है ये ग्रीन वाला, ये देख सकते हैं आप लोग, ये वाला फिशर बच्चा है, इसके साथ वाले का पता नहीं कौन सा। और ये जो फिशर बच्चा है ये इस पेयर का बच्चा है, ठीक है। ये आप ग्रीन फिशर और ब्लू फिशरी का माशाल्लाह, फिशरी की मार्किंग देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त मार्किंग में माशाल्लाह ज़बरदस्त। ओके डन। और इस पेयर ने तो कल मीटिंग की थी कई आप लोगों के साथ, मैंने शेयर किया था व्लॉग में, तो इंशाल्लाह अभी जो उसने अंडे नहीं दिए हुए इंशाल्लाह बहुत जल्द अंडे देगा। गोटिया मास्टर इधर नाच रहा है। हाँ आ गया भाई, तू भी आ गया, जल्दी हो जा कुछ। हाँ आ गया, बोल क्या। अबे इधर दे, कम एक नंबर के जो है एक शरारती है भाई। इस पैर ने अंडे नहीं दिए हैं, ये तो रुक गया पैर। ये है अल्बाइनो रेड आई और अल्बाइनो ब्लैक आई का पैर है। नेक्स्ट पार्विल स्प्लूडिनो मेल, अल्बाइनो रेड आई फीमेल, नो एग येट। चलो जरा सा हिल जाओ, नहीं है नहीं है अंडा, नहीं है नहीं है नहीं है। इसको चेक करते हैं, अल्बाइनो फिशरी वर्किंग पेयर, जगह बन चुकी है अंडो जी, लेकिन अभी तक अंडा नहीं आया है। अरे बंद नहीं हो रहा बॉक्स, बॉक्स इस वजह से बंद नहीं हो रहा। अब हो जाएगा, हाँ अब हो जाएगा बॉक्स बंद। कैसा ज़बरदस्त बॉक्स बंद हो गया। तो अभी पेस्टल वाला पेयर तो अभी अंडे नहीं दे सकता क्योंकि तीन चार दिन हुए ये अंडों से फारिग हुआ। आए नहीं है नहीं अंडे नहीं अभी नहीं है, तकरीबन हफ्ता दो हफ्ते लगेंगे इनको। पहले तो रिकवर होएगी मेल फीमेल दोनों, देन उसके बाद थोड़ा रेस्ट पे आएंगे, उसके बाद जो है मैं जो है ब्रीड की तरफ इन लोग गामजन होंगे इंशाल्लाह। इस पेयर को देखते हैं भाई, इसमें माशाल्लाह चार बच्चे हैं। ये तो पहले कलर की जो चिप लगी हुई है इस पर, तो वो तो कोई मसला नहीं। ये भाई माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा क्योंकि मैं इस टाइम पे आता हूँ, मुझे ख़ुद भी चेक करना होता है कि भाई फीड वगैरह कराइए कि नहीं, इसलिए कुर्सी लगा लेता हूँ, साथ ब्लॉग में भी आ जाएगा और मैं भी चेक कर लूँगा। तो इंशाल्लाह आप लोग के साथ ही चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह चारों बच्चों को ठीक फीड हुई भी है, ये देख सकते हैं आप लोग। इसमें जो एक है वो है अपना क्या नाम है पेस्टलिनो और अल्बाइनो रेड आई का, ये आला पेयर का बच्चा इधर पोस्टर किया हुआ मैंने, ये देख सकते हैं ठीक है, ये आला पेयर है। और बाकी जो तीनों के तीनों बच्चे जो हैं वो इसके अपने हैं माशाल्लाह से। तो ये अनट्रस्टेड पेयर था ये, क्योंकि इसने दो तीन बार बच्चों को फीड नहीं कराई है, बच्चे निकले हैं लेकिन फीड नहीं करवाता था ये पेयर। बट माशाल्लाह से इस बार इसने अचानक से ही ट्रस्ट अपना कायम किया और माशाल्लाह चार बच्चों को अभी तक सही फिट करा रहे। बाकी इसके बकिया जो दो अंडे हैं माशाल्लाह वो भी फर्टाइल है और ठीक है। तो इस पेयर को चेक करते हैं, ये मेरा माशाल्लाह से 6 से 7 साल पुराना पेयर है, ये तकरीबन ओल्डेस्ट ब्लड लाइन है। और माशाल्लाह इसका एक बच्चा आया हुआ, एक ग्रीन फेल हो गया था इसका और एक बच्चा सही पाल रहा है ये पेयर माशाल्लाह। इसकी फीमेल की जो है चोंच भी देख सकते हैं आप लोग, टूटी हुई है लेकिन जो है अच्छी फीड करा रही है, आधी चोंच ही नहीं है। इस पेयर को चेक कर लेते हैं माशाल्लाह से, ये भी ठीक हैं बच्चे, देखते हैं ये कौन से बच्चे निकलेंगे। ये तो ग्रीन फिशर ही होंगे क्योंकि डोमिनेंट बर्ड है ग्रीन फिशर। ये है ब्लू पसनाटा का मेल है और ग्रीन फिशर सिंपल की फीमेल है। आए ब्लू ऑफलाइन और वायलेट ऑफलाइन, ये वायलेट ऑफलाइन की इसमें फीमेल है और ब्लू ऑफलाइन का जो है मेल है माशाल्लाह से। आए इनका भी बॉक्स चेक कर लेते हैं।
ये तो भाई फीमेल ने जगह बना ली अपनी एग्स की माशाल्लाह से, वो देखें वहाँ कोने पे, ठीक है इंशाल्लाह। ये भी जो है एग्स अब इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है कि एग्स बहुत जल्द दे देगी। इस पेयर को दो अंडे हैं माशाल्लाह, दोनों फर्टाइल हैं, ये मैंने चेक किए हुए थे। तो माशाल्लाह ये पेयर है, ठीक है ये वाला वो पेयर है, इसके अंडे हैं माशाल्लाह। तो ओके व्यूअर्स, ब्रीडिंग प्रोग्रेस कवर हो चुकी है, कॉलोनी की क्लिप आप पहले ही देख चुके हैं। तो इंशाल्लाह अब सीधा आप लोगों को मैं अफ्तारी पे मिलता हूँ, क्योंकि रमज़ान है तो रमज़ान में बाहर में अफ्तारी भी कवर करनी होती है। अफ्तारी में बनाते हुए नहीं कवर करता, क्योंकि यार आराम सकून से बंदा दुआ मांग कर अफ्तारी करके फिर जो देन मगरिब की नमाज़ पढ़ के आकर सही अफ्तारी होती है, क्योंकि उस टाइम तो खा के पानी का एक दो घूंट पी के जल्दी से मस्जिद जाना होता है, जमात खड़ी हो रही होती है। तो जो मैं अफ्तारी खाती हूँ वो तो नमाज़ के बाद ही आकर होती है ना, तो वीडियो भी मैं उसी टाइम पर बनाता हूँ। तो इंशाल्लाह डायरेक्ट अब आप लोगों को मिलता हूँ अफ्तारी पर। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्त कर दें इंशाल्लाह, डेली व्लॉग जा। ये तो भाई फाइनली अभी नमाज़ पढ़ कर आ चुका हूँ मगरिब की, और अपना आज का व्लॉग यहाँ पर एंड हो रहा है तकरीबन 7:15 बजे के टाइम पर। तो अभी भाई अफ्तारी कर रहा हूँ फाइनली। तो ये बना तो भाई पकौड़े हैं, और ये गोल गोल कोई पापड़ है सोइयाँ जैसे भाई, बड़े ही टेस्टी हैं। और ये रहा मेरा फेवरेट आलू बटाटा, ये बेसिकली दिखाता हूँ आप लोगों को, ये सारा आलू होता है इसमें भाई। ये आलू का पीस के आलू को ना वो फिर बेसन लगा के तलते हैं, ये इस तरह का होता है, ठीक है। और ये साथ सैंडविच बनाए थे बड़े ज़बरदस्त, साथ टमाटो केचप। तो भी इस व्लॉग को अपना यहीं पर एंड करते हैं इंशाल्लाह, कल मिलता हूँ फिर आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।